अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बादशाह। एडवांस टेक्नोलॉजी में आप सब लोगों को स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिम कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सिम कार्ड के कई सारे रूल बन गया है, जैसे कि आप लोग 90 डेज रिचार्ज नहीं करते हो या फिर सिम को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो तो आपका सिम बंद हो जाता है। तो इस सिम को कैसे हम रिएक्टिव करें, बंद हो गया है कैसे हम चालू करें। कई सारे मेरे दोस्तों ने पूछ रहा था मेरे को कि मेरा सिम बंद हो गया है, हाँ तो इसको चालू कैसे करें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर था मेरा, उस नंबर मेरा बैंक में दिया हुआ है, गैस के मतलब गैस जहाँ से लेते हैं वहाँ भी नंबर दिया हुआ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम आता है। तो हम लोग तो दोस्तों दूसरा नंबर यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है दूसरा नंबर यूज़ करने से मेरा वो नंबर बंद हो जाता है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग देखिए, सिम बंद होने की कई सारे रीज़न होते हैं कि जैसे कि आप एक सिम यूज़ कर रहे हो तो इस सिम को आप मतलब 90 दिन तक आपने उसको यूज़ नहीं किया, ठीक है। 90 दिन तक आपने उससे कोई कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, इंटरनेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इनकमिंग भी नहीं आया है तो वो नंबर बंद हो जाता है। एंड दोस्तों अब एक नए रूल आया है कि एवरी मंथ 35 रुपीज़ आपको रिचार्ज आपके मोबाइल पर करना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर आप सोच रहे कि हम 35 रुपीज़ नहीं रिचार्ज करेंगे, हम उस नंबर से कॉल नहीं करेंगे, तो दोस्तों देखिए अगर आप मतलब मार्च के रिचार्ज किया, एक तारीख को आपने रिचार्ज किया तो क्या होगा देखिए, तो 28 दिन तक आपका आउटगोइंग होगा, इनकमिंग भी होगा। 28 दिन के बाद 28 डेज के बाद आपका आउटगोइंग कॉल एट फर्स्ट बंद हो जाएगा, एंड 2-4 दिन के अंदर अंदर आपके इनकमिंग भी बंद हो जाता है। ये बहुत सारे दोस्त मतलब लोगों को नहीं पता है कि इसका इनकमिंग भी बंद हो जाता है, पहले मेरे को भी नहीं पता था। तो इसीलिए दोस्तों आपको रिचार्ज करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड दोस्तों अगर मतलब आप लोग 35 रुपीज़ अगर रिचार्ज नहीं करते हो तो कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है, आपके नंबर पर इनकमिंग भी बंद हो जाता है, एंड धीरे धीरे वो नंबर एकदम बिल्कुल बंद हो जाता है। तो आप अगर उस नंबर पे फ़ोन करोगे तो आपको बताया जाएगा कि इस नंबर का कोई अस्तित्व नहीं है, एंड और भी वगैरह वगैरह बताता है कि आप जिस नंबर पर डायल किया हो वो नंबर गलत है। तो दोस्तों देखिए सोच लीजिए, इसी सारे रीजन में बंद होता है। एंड अगर आप टेम्पोरी चाहते हैं कि आपका नंबर वो ब्लॉक करे, ठीक है, आप खुद अपने मर्जी से वो नंबर को ब्लॉक किया, ठीक है, यही 2-3 रीज़न होता है सिम बंद होने के। तो दोस्तों चलिए इन मतलब इन सिम को हम लोग कैसे रिएक्टिव करें, ठीक है, तो इसका प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों पहले तो एट फर्स्ट आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आपका सिम कितना दिन तक मतलब बंद है ये आपको पता करना होगा। अगर 2-4 दिन हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, आप 35 रुपीज़ रिचार्ज कर लोगे तो चालू हो जाएगा। एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब सोचिए कि 10-15 दिन हुआ है तो आप कस्टमर केयर पे जाके मतलब सर्विस सेंटर पे जाके आप बात कर सकते हो कि देखिए क्या मसला है उसका। एंड दोस्तों देखिए अगर उससे भी ज़्यादा दिन हो गया है, समझ लीजिए कि मतलब 1 महीना 2 महीना हो गया है, तब आपको पता चला है कि वो नंबर बंद है, तो आपको क्या करना है, आप सर्विस मतलब सर्विस सेंटर पे जाइए, मतलब जिस टेलीकॉम सर्विस का सिम आप यूज़ करते हो, ठीक है, उस कस्टमर केयर पे जाइए, बात कीजिए, तो उन लोगों को बताना है कि मेरा इस नंबर बंद हो गया है तो इसको चालू कैसे करना है, तो वो लोग आपको प्रोसेस बताएगा, ठीक है, तो आपका सिम चालू हो जाएगा। जब एट फर्स्ट देखिएगा दोस्तों वो लोग आप लोगों को बताएगा कि पोस्टपेड में कनेक्शन लेने के लिए, लेकिन आप उन लोगों को कहिएगा कि मैं प्रीपेड में चाहता हूँ, चूज नंबर होता है एक ऑप्शन, ठीक है, मतलब सभी कंपनी का नहीं होता है, तो कई कई मतलब आइडिया के होता है या फिर मतलब बहुत सारे होते हैं, वोडाफोन में होता है तो जियो में भी होता है। अगर चूज नंबर में आपका नंबर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो दोस्तों आपको पोस्टपेड में ही आपको कनेक्शन लेना है। इसमें क्या होता है, आपको खर्चा कुछ ज़्यादा पड़ जाएगा लेकिन आपका नंबर फिर से चालू हो जाएगा। एंड मतलब 3 मंथ के बाद, मतलब आफ्टर 3 मंथ आप उस नंबर को प्रीपेड में कर लीजिएगा, यही आपका सबसे मतलब आसान तरीका है, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा, अगर मेरे वीडियो आपके कुछ काम आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।